तो साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ हैं बनारस से चलकर आए श्री रामजी यादव जी। आप पेशे से पत्रकार हैं और गांव के लोग के नाम से आप एक पत्रिका का भी संचालन करते हैं। सर अलीगढ़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। चूंकि बनारस का मामला है तो बात बहुत दूर तक जाएगी सर। देखिए मोदी और जिसका प्रधानमंत्री सांसद हो तो वो दूर तक तो जानी ही है बात सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो फिर तो दिल्ली को सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वो होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन दिल्ली पर किन लोगों का कब्जा है इससे दिल्ली की महत्ता बनती या बिगड़ती है। दिल्ली के शासक जो पूरे देश को होल्ड करते हैं, दिल्ली का जो इंटरनल पूरा परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है, उसमें कौन लोग होल्ड कर रहे हैं और किस तरीके की नीतियों के साथ वे देश को या उस दिल्ली को चला रहे हैं, इससे तय होता है कि आखिर कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। सर आप चूँकि बनारस से और आपकी आवाज़ में थोड़ी सी बुलंदी होनी चाहिए तो मैं निवेदन करता हूँ जरा ज़ोर से बोलें आप अपनी बात, देखिए दिल्ली तक जा सके आपकी। मुझे लगता है कि बहुत चिल्ला कर बोलने से तथ्य अच्छे नहीं बन पाते हैं और नहीं बहुत धीरे से बोलने से बातें दबती भी नहीं है, क्योंकि बातों का तो मतलब बात है और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको चिल्लाकर बोलने की आदत है वो चिल्लाकर बोलेगा, जिसको जो सोचते हुए बोलता है वो सोचते हुए बोलता है, तरह तरह की वो आदमी के जीवन व्यवहार और उसके अनुभवों से उसकी भाषा और उसकी वाणी का संचालन होता है, इसलिए बुलंदी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम नारे नहीं लगाते। आदरणीय राम जी यादव जी, आपने जो अपनी टाइटल नेम रखा गांव के लोग जी, आखिर इस टाइटल नेम के पीछे क्या उद्देश्य था जो आपने गांव के लोग ही नाम रखा, मेरा गांव मेरा देश भी रख सकते थे? देखिए किसी भी नाम के पीछे एक अवधारणा होती है, एक परिकल्पना होती है और उस अवधारणा के दायरे में एक जनसमूह आता है, एक बहुत बड़ा जो समाज है वो आता है। तो गांव के लोग का मेरा तात्पर्य यह था कि जो लोग गांव में बसते हैं लेकिन जो इकोनॉमी के सबसे बहिष्कृत हिस्से हैं, इकोनॉमी का विकास गांव के की छाती पर होता है लेकिन वहां के जो लोग हैं जब वो सत्ता की दलाली करने लगते हैं तो उनके यहां थोड़ी सी आर्थिक समृद्धि ज़रूर आती है लेकिन अधिकतर ग्रामीण लोग जो माने श्रमजीवी लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो माने निर्माण मजदूर हैं और हर तरह की चीज़ें जो गांव कच्चा माल जो उपलब्ध कराता है मानवीय रूप से और प्राकृतिक रूप से जो संसाधन वो देता है, तो उसको तय करने वाला, उसके दाम को तय करने वाला और उनके जीवन की सीमा तय करने वाला जो है जो हिस्सा है वो शहरी है और शहर में गांव से भी लोग आकर बसते हैं, रहते हैं और उसके हिस्से होते हैं। लेकिन गाँव का एक पूरा जो संदर्भ हमारे साथ है वो ये है कि वे श्रमजीवी लोग जो उत्पादक हैं लेकिन वे उपेक्षित हैं, वे लगातार बहिष्कृत हैं और उनके हक उनको नहीं मिलते। अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें देखते हैं लगातार कि गांव की तमाम सारी जो स्थितियां हैं वो कितनी बदली हैं। जैसे आप ये देखिए कि ज़मीनों पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है ग्रामीणों के, ज़मीनों की लूट गांव में मची है और भारत का गाँव जितना विशाल रेंज है उसकी सारी प्राकृतिक संपदाएं, सारे पहाड़, सारे जंगल, सारी नदियां गांव में हैं लेकिन वे शिकार जिन चीज़ों की हैं, जैसे पहाड़ों को खोदने का काम कॉरपोरेट कर रहे हैं लगातार, पूरे के पूरे जंगल उजाड़े जा रहे हैं, वहां से खदानें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा नदियों के पानी में सारा औद्योगिक कचरा फेंक देने का जो काम है, औद्योगिक जो नैतिकता है वो इतनी भी नहीं रही कि वेस्ट को जो है अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए क्योंकि ये दूषित पानी है जो उस मैंने नेचुरल पानी में मिलकर उसको ख़राब करेगा और इस तरीके से प्रदूषण ही नहीं फैलेगा बल्कि जानलेवा बीमारियां फैलेंगी और उससे जो लोग सीधे सीधे नदियों से जुड़े हुए हैं वे लोग इससे प्रभावित होंगे, पूरी की पूरी जनरेशन नष्ट होगी। तो हमको जब हम इस नाम को रखे तो हमने ये इसमें तय किया कि जो ग्रामीण समाज है उनके रोजी रोजगार से लेकर उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति और तमाम सारी चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे। हमने अब तक 28 अंक निकाले हैं हर दो महीने के हिसाब से और उस अपने सभी अंकों में लगभग हमने इस तरह के सवालों को बुनियादी तौर पर, केंद्रीय तौर पर उसमें रखा है। तो हमारा कुल मिला के है गांव का, वह गांव के लोग का मतलब वह संघर्षशील समाज
जो अपने हक हकूक के लिए लड़ रहा है लेकिन जिसके ऊपर कई तरह हर तरह से हमले हो रहे हैं और हर सत्ता उनको अपने काबू में रखना चाहती है, वो चाहे अनाज के बहाने हो, चाहे और तमाम सारी चीज़ों के, चाहे दमन के सीधे बहाने हो। आप देखिए, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, नहीं, किसान सम्मान निधि देखिए एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसकी अभी कोई खोजबीन नहीं हुई है और इस पर मुझे लगता है कि बाजाफ्ता बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेज करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जिन किसानों को यह मिला, क्योंकि अभी तक जितने किसानों को हमने देखा, बहुत सारे किसान जैसे इन्होंने लाभार्थियों की एक सूची किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उस पर डाल रखी है और जब मैंने उन सूचियों का मिलान किया तो पाया कि जो है जिस मैंने खतौनी देखकर जो है तहसील से जो खतौनी मिलती है उस खतौनी के आधार पर उन्होंने लाभार्थियों की एक सूची टांग रखी है, लेकिन उसमें से आधे ऐसे नाम हैं जिनको पैसा ही नहीं मिला, जिनके पास जानकारी नहीं है या जिनके आधार कार्ड नहीं वहाँ सम्मिलित है। तो सरकारी योजना के तहत ये इसको इन्होंने चुनावी योजना में बदल दिया। मान्यवर, ये आप सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं क्यों आरोप लगाऊंगा, सच्चाई यही है और इस सच्चाई की तरफ पत्रकारों को जाना चाहिए, तमाम सारे लोगों को जाना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। मेरा कोई ऐसा हवा में आरोप थोड़े है, आप उनकी वेबसाइट पर देखिए और लोगों से मिलिए, आप हर गांव में जाइए, पता कीजिए कि क्या आपको सम्मान निधि मिलती है, तो आप उनको देखिए उनका नाम है कि नहीं वहाँ पर है, तो आप पाएंगे कि जितने लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ही जो है एक बार जब चेक करने लगा तो 2 साल पहले मेरी माताजी का निधन हो गया था और उनका भी नाम चल रहा था लेकिन उनका कोई खाता भी नहीं था, उनको पैसा भी नहीं मिलता, तो हमारे भाइयों का भी इस तरीके से था, हमारा खुद का जो है, तो इस तरीके के जो मैंने घालमेल हैं, जब आप उसकी छानबीन करेंगे, सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मैंने नेतृत्व में सरकार चल रही है और किसी सरकार की आलोचना करने का जो हमारा अधिकार है वो कोई आरोप हवा में थोड़े लगाए जा सकते हैं, ये संवैधानिक तौर पर उठाए जाने वाले सवाल हैं, इस पर बात करनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों डर के मारे मरने से डरते हैं या जेल जाने से डरते हैं, सवाल क्यों नहीं उठाते, उनको उठाना चाहिए। काफ़ी चिंतन और मनन का विषय आपने जनता के बीच छोड़ा, निश्चित रूप से जनता को इस तरफ देखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चल रही हैं और जिनमें गड़बड़ियाँ हैं लेकिन वे गड़बड़ियाँ तमाम तरह से जो है पीछे ढकेल दी जा रही, उन पर बात नहीं हो रही है और इन पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश किसी की बपौती नहीं है, हर देश की जनता का देश होता है और उस जनता के सुखों, उस जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अगर कोई सरकार काम नहीं करती तो उस सरकार को बदलने का भी काम देश की जनता का है, यह उसका मौलिक अधिकार है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। देश की जनता का अधिकार है बदलने का, लेकिन गत दिनों जो अभी इलेक्शन हुआ था वहाँ काफ़ी ढोल लगाड़ों से प्रचार हो रहा था कि दमनकारी सरकार है, इस बार बदल डालेंगे, उखाड़ फेंक डालेंगे, लेकिन उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। जहाँ गाड़ी मिनिस्टर्स के बच्चों द्वारा गाड़ी से जो अभी तक बेटा जेल में है उनका जमानत नहीं हुई और वहाँ पर पूरी सीटें जीत गई, तो जनता के बारे में या कुछ और आप समझदार हैं, किस तरीके से परिवर्तन की बात? मुझे जो लगता है आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जो परिणाम आता है उसके आधार पर नैरेटिव गढ़ना एक चीज़ है, तमाम सारे लोग, किसी कोई पहलवान अगर पटक दिया गया तो पटक देने वाले पहलवान की बहादुरी ही है उसमें। अब जैसे आप ये देखिए कि महाभारत में भीम और दुर्योधन की लड़ाई के बीच देखिए कि कौन सी चीज़ निर्णायक थी, वो निर्णायक थी जांघ के नीचे वार नहीं किया जाएगा जी, लेकिन जब देखा कि वो दुर्योधन हार नहीं सकता तो उसके जांघ के नीचे उन्होंने कहा कि भीम भैया आहो आहो, मैंने ये जांघ तोड़ो नहीं तो मरेगा नहीं, मारा जरासंध को देखिए, तो मैंने तमाम तरह का जो देवत्व वाली शक्तियां हैं उनके छल छद्म को, उनके षड्यंत्र को देखिए आप, तो आप पाएंगे कि जो भी नियम बनाए गए थे युद्ध के, उन सारे नियमों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया और जीत लिया। जिस तरीके की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके सबसे पहले प्राथमिक रूप से बीजेपी और संघ ने तमाम सारे ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया, एक बहुत संगीन अपराध था। हमारे घर के भी कई लोगों का नाम कटा, हमने गांव में सर्वे किया तो पता लगा हर गांव में कुछ न कुछ कटा हुआ है और वो इस मैंने अंदेशे में काटा गया कि यह जो है हमारे वोटर नहीं हैं और उतने नाम काटे गए। और दूसरी चीज़, मशीनरी का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, सर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर मैं सोशल मीडिया वालों को खास तौर से कहना चाहता हूं कि उनका सारा का सारा जो
धोखा देने का काम था। वो ऐसे लोगों से मिल रहे थे कि आपको राशन मिल रहा है कि नहीं, आपके पास वो पेंशन का पैसा आ रहा है कि नहीं। ये पेंशन और राशन क्या होता है? आदमी का भविष्य अगर खतरे में हो तो उसको तात्कालिक रूप से जोड़ने का और उसकी उसकी उसके असंतोष को दिखाने का मतलब यही था कि सोशल मीडिया लगातार जिनके लिए काम कर रहा था वो विपक्ष नहीं था जो मैंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करता, बल्कि बीजेपी ही थी परोक्ष रूप से। वे एक तरह से झूठ बोल रहे थे और इनसे भी वो लाभ ले रहे थे और उनसे भी लाभ ले रहे थे। और जैसे ही जिस दिन चुनाव का परिणाम आया 10 मार्च को, उस 10 मार्च के शाम से उनका नैरेटिव बदल गया। वही सोशल मीडिया के लोग जो कि विपक्ष को जिता रहे थे वो बिल्कुल दूसरे तरह की बातें कर रहे थे। ये धोखा देने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध की एक पूरी इंडस्ट्री सोशल मीडिया ने खड़ी की है और इससे पता लगता है कि पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो उनके पक्ष में इस्तेमाल करने का पूरा जो हमने प्रयास लगातार रहा वो सफल हुआ है। और कोई भी चुनाव एकदम निर्णायक जनता की कमजोरियों का चुनाव नहीं होता है, हो सकता है और हो क्या सकता है, बल्कि होगा ही। यही जनता उठाकर पटक देगी उन लोगों को जिन लोगों को आज उसने सर पर बिठाया है। इसलिए जनता को दोष देने के बजाय मैं उन लोगों को दोष देना चाहता हूं जो विपक्ष में जो दावेदारी करते हैं कि वे इस बिरादरी के नेता हैं। वे कभी अपने लोगों के बीच में नहीं जाते, कोई संवाद नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं मैं योगी से भीख मंगवाऊंगा, लेकिन कितने राजभरों के बीच में वो गए? ये मेरा दावा है कि वो 15% राजभरों के बीच भी उनकी बात नहीं है, वो जाते ही नहीं है। आदरणीय जो अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव कभी जाते ही नहीं कहीं। और दूसरी चीज़ ये जो जितने भी लोग हैं वो लोग नहीं जाते हैं। उन लोगों का पूरा जो ड्राइंग रूम जो पॉलिटिक्स है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स केवल यह है कि इस गोटी को यहाँ फिट कर देंगे, उससे वहाँ फिट कर देंगे। कई बार कोई आदमी शतरंज की उस बिसात पर लात मार के उसको बिखेर देता है। तो यही हुआ कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति के तहत इन लोगों की उस बिसात को बिखेर दिया। और इन लोगों की अगर कमजोरियाँ वो ठीक होती हैं, अगर जैसे 4 महीने में अखिलेश यादव 4 महीने पहले निकले तो इतनी सीटें आईं, तो अगर वो चारों तरफ से पूरी मशीनरी को लेकर, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर चौकन्ने होते और 2 साल पहले उन्होंने मेहनत किया होता तो परिणाम निश्चित रूप से दूसरा। मान्यवर, आपने बताया कि परिवर्तन की बात थी, जब कैंडिडेट श्री राम और डॉक्टर अम्बेडकर होंगे तो कैसे जीत पाएंगे आप? देखिए अंतर इस समय प्रत्याशी डॉक्टर अंबेडकर थे और भगवान राम का एक संघर्ष मुकाबला हुआ था जिसमें भगवान की और आस्था की जीत हुई। कैंडिडेट कौन जीत रहा था? लोगों को पथराव करके भगा रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। यहीं पर अलीगढ़ में कई विधानसभा सीटों पर टमाटर और पानी कीचड़ फेंका गया प्रत्याशियों के ऊपर और आखिरकार वो लाखों से वोट से जीत रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आप ये मान रहे हैं तो आप कैसे मानते हैं कि उनको लोगों ने मारा भी होगा, वोट भी दिया होगा? आप बिहार के उस परिणाम को याद करते हैं जिसके आने से पहले तमाम सारी जो चुनाव प्रचार की गाड़ियां थी, महिलाओं ने उनको गालियां दी और उनके पोस्टर फाड़ डाले उस पे से, और कितने लोगों ने भगा दिया उनको। लेकिन बहुमत के करीब जाते जाते जो बहुत कम मार्जिन से जो सीटें थीं उनको, उन पर बीजेपी को जीत मिली। और इस तरीके मशीनरी का क्या उपयोग हो सकता है? आरएसएस जिस तरीके से उसने पूरी मशीनरी का संघीकरण कर दिया है। नहीं, उन लोगों का कहना है कि अगर हम संघीकरण करते तो समाजवादी पार्टी और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीट्स कैसे जाने पड़ते? ये मिरेकल नहीं है। इसके बारे में भी हर चीज़ की वस्तुगत सच्चाई होती। जैसे यह मेज किसी चीज़ पर टिकी हुई है, वैसे यह चुनाव भी किसी चीज़ पर टिका हुआ है। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि वो कह रहे हैं, उनका कहना मैं क्यों मानूंगा? मेरी अपनी दृष्टि है, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, उन तर्कों के आधार पर मैं विवेचन करता हूं कि वो जो कहते हैं उसको मैं मान लूंगा। किसी भी सूरत में क्यों मानूंगा मैं? मेरा अपना जो विजन है, मैं अपना जो देख रहा हूं, मेरी जो पूरी उम्र है जिसमें मैंने काम किया है लोगों के बीच में, तो मैं अपनी भाषा में बात करूंगा कि उनकी भाषा क्यों मानूंगा मैं? माननीय बहुजन समाज पार्टी जहां पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी वो आज 0-1 पर सिमट गई। ये तो करनी का फल होता भी है बहुत सारी चीज़ें, और सपा की भी करनी का फल उसको मिला है, बसपा की भी करनी का फल मिला है। ये जब इससे पहले एक नारा आया था कि मैंने जो राजा का जन्म जो है संविधान से हो रहा है, होता है, अब रजवाड़ों के घर से राजा नहीं पैदा होगा, तो इसका मतलब क्या था कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तब आप उसमें आएंगे। और अगर आपने सत्ता पाली और संवैधानिक मूल्यों और तमाम सारी चीज़ों को आपने छोड़ दिया पीछे,
तो आपको जाना है। तो जिस तरीके की ज़िंदगी उन लोगों ने अडाप्ट की, जिस तरीके की ज़िंदगी का प्रदर्शन उन्होंने किया, उसका क्या मिल सकता है उनको नतीजा? उसका नतीजा यही हो सकता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सांगठनिक स्तर पर इन लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि कहीं किसी भी जगह पर उनके लोग सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लाठी निकाल के जाना है ईवीएम की वो देखने के लिए, लेकिन इससे पहले जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उस पर उनकी नज़र भी नहीं गई। वो भीड़ में एकदम भीड़ को देख कर इतने आह्लादित थे, उनको लगा कि सत्ता पलट रही है, और लोगों ने भी उनको उसी तरीके से सलाहें दी, उन लोगों ने उनको उसी तरीके से बढ़ावा दिया। तो एक कन्फ्यूजन था, और मुझे लगता है कि एक ऐसा लड़का, जो मैं कहूँगा कि एक ऐसा लड़का जिसको विरासत में मिली सत्ता, जो अपने बाप के समानांतर कहीं भी राजनीतिक समझ वाला नहीं था, जिसको विरासत में मिली, जिसने 5 वर्ष तक उसको चलाया, जब उसको अपनी ज़मीन तलाशनी थी तब वो कई तरह की गलतफहमियों का शिकार हुआ और हो रहा है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो फैन फॉलोइंग उन्होंने बनाई थी, अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर वो अपने रवैये को नहीं बदलेंगे तब वो इस उसमें रह पाएंगे। और लोगों, अब मुझे लगता है कि नेतृत्व आना भी चाहिए पिछड़ों के बीच से, दलितों के बीच से नया नेतृत्व पैदा होना चाहिए। जो कुदाल की बेंट बने हुए, कुल्हाड़ी की बेंट बने हुए जो बीजेपी की सेवा कर रहे हैं ओबीसी, वे अगर विचार वाले लोग होते तो निश्चित रूप से अपनी एक नई विचार हमने पार्टी बनाते या अपना संगठन बनाते, सामाजिक संगठन बनाते, सांस्कृतिक संगठन बनाते, लड़ते। क्या लेकिन वो उनकी सेवा करें, संगठन बनाने की, पार्टी बनाने की कितनी हिस्सेदारी दी है? 20 ओबीसी के मिनिस्टर्स बनाए, 9 दलितों के मिनिस्टर बनाए, आप क्या चाहते हैं? पूरी सत्ता पर राज करना चाहते हैं? पता नहीं आप किस तरह के सवाल कैसे पूछ रहे हैं, किस टोन में पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, आपको शायद इस बात का सबक मायावती से लेना चाहिए कि पार्टी में जो होल्ड करता है हर आदमी उसका चपरासी है, वही निर्णय लेता है, वही कहता है कि ये निर्णय लेना है तुमको, साइन उसको करना है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, सत्ता की सूली, उसमें जस्टिस बीएच लोया की हत्या बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, और जस्टिस लोया सीबीआई के जज थे, और वो अमित शाह का बम्बई में मुकदमा जो है उनके उसमें था कोर्ट में। अमित शाह लगातार अनुपस्थित रह रहे थे, दिल की बीमारी का, डायबिटीज़ का, इसका उसका, तो जज लोया ने कहा कि इनको बुलाइए, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप मनमाने तरीके से कोई जो याचिका लगा देंगे और हम मान लेंगे, आप इनको हाजिर कीजिए। उसके बाद जज लोया की हत्या हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम सारी चीज़ें जो उसमें आई बातें, उसमें एक बात यह भी थी कि जस्टिस लोया के पास एक लिखा हुआ फैसला आया था कि आप इस पर साइन कर दीजिए, कि यही आपने फैसला सुना दिया, अमित शाह बरी हो गए। और वह लेकर वो इतने परेशान थे, उन लोगों से मिले तो लोगों ने कहा कि अरे प्रशांत भूषण के यहाँ गए, तो प्रशांत भूषण ने कहा ये तो बहुत ही संगीन मामला है, लेकिन ये चूँकि इसमें कुछ और मुहर नहीं है किसी चीज़ का कि कहाँ से आया है, कैसे आया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसका कोई कानूनी पक्ष हो सकता है, तो आप लौट जाइए। और उसके बाद तो उनकी हत्या ही हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है नरेंद्र मोदी की जो केंद्रीयता है, हम उसको एक आत्मुग्ध व्यक्ति की बात कह सकते हैं कि ये आदमी हर जगह अपनी फ़ोटो देखना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरे के रूप में है जो कॉरपोरेट का नेतृत्व कर रहा है, जो संघ का भी चेहरा है, जो तमाम सारी चीज़ों का चेहरा है, सारे निर्णयों को एक व्यक्ति थोपता है, बाकी सारे लोग मानते हैं। तो जो लोग मंत्री हो गए हैं उनको व्यक्तिगत जितना लाभ हो सकता है, वो आप ये बताइए मुझे कि सारे शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री क्या प्राइमरी स्कूल को प्राइवेट करने से रोक सकता है? अब ये बताइए, हमारे मिनिस्टर अभी तमाम सारे स्कूल तोड़वाए जा रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री इस तरीके से चीज़ें कर सकता है? उसको शिक्षा की कितनी उसका क्या सरोकार है? वह पैसा कमा, मैंने देखिए पूरी राजनीति इतनी विद्रूप हो चुकी है कि उस पर बात करने के लिए कम से कम मैं समझता हूँ दक्षिण पंथ की कोई नैतिकता अब नहीं है। जहाँ तक दूसरे सेक्शंस की बात मैं करूं, वामपंथ की करूं या समाजवाद की करूं, तो उस तरीके से वे लोग भी जो है मैदान में उतर नहीं पाए हैं।
वे लोग भी लगातार पीछे चले गए हैं, उनका संवाद खत्म हो गया है, उनकी जो जो पूरी राजनीतिक स्किल है वो खत्म हो गई है। तो अभी जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें किसी व्यक्ति का अगर महत्व है तो जो मैंने बैठा हुआ है ऊपर, ये मायावती के समय में हमने देखा, अखिलेश यादव के भी समय में हमने देखा, योगी के समय में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का 7 साल का कार्यकाल इस बात का उदाहरण है। एक आदमी बिना किसी मीटिंग के कहता है कि नोटबंदी हो गई, आज से 12 बजे से 500 और 2000 का नोट नहीं चलेगा, एक व्यक्ति का निर्णय है। उसके बाद जब अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की तब ये कहा गया कि कुछ समय पहले उर्जित पटेल से और दूसरे लोगों से सलाह मशवरे के बाद ये निर्णय लिया गया, लेकिन कहानी तो बाद में आई, जब जब हत्या हो गई तब कहानी सामने आई ना, उसके पहले की सारी कहानी नहीं पता है। सर आप क्रांतिकारी पत्रकार लगते हैं। सर मैं क्रांतिकारी पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक लेखक हूँ और मैं वामपंथी आंदोलन में रहा हूँ, लंबे समय तक रहा हूँ, मजदूरों के बीच मैंने काम किया, कानपुर में काम किया, मुगलसराय में काम किया, रेलवे मजदूरों के बीच में। कानपुर में 96 में जब 52 लोग निकाल दिए गए थे एल्गिन नंबर 2 से, तब वहाँ उस मैंने आंदोलन को लीड किया था मैंने, और हम लोगों ने मिलकर जो है लड़कर जो है उनको 52 को अंदर कराया, उनके भीतर उनको काम नहीं मिल रहा था, वहाँ भी संघर्ष चलाया, और लगातार हम सांस्कृतिक मोर्चे पर राजनीतिक मोर्चे पर रहे। हम निरे पत्रकार नहीं, हम कलम के मजदूर या कुली नहीं है, या हम सिपाही भी नहीं कहते अपने आप को, हम ये कहते हैं कि हम इस देश की जनता के एक हिस्से हैं और इस देश की जनता की तर्जुमानी करते हैं। अब हम राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं, हम पत्रकारिता में हम पत्रिका निकालते हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है, जो हमको जो संस्कार मिला है राजनीतिक तौर पर, वह जनता के प्रति जवाबदेही का संस्कार मिला है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। सर जो आपका अपना गांव के लोग, जो मैगजीन है, जो पत्रिका है, उसका सर टारगेट पाठक कौन है आपका? आप किस तरीके के पाठकों को अपने विचार आदान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए दो चीज़ें हैं, जब हम इस देश की जनता की बात करते हैं तो सबसे पहले सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक भाईचारे वाली जनता है, जिसके हित एक जैसे हैं, जिसके बारे में फैज कहते हैं कि खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा वे होते हैं खोट जिनकी चाह में है। तो ये जो पूरा जो समाज है, जो संघर्षशील समाज है, संघर्षशील जनता है, हमारा टारगेट ऑडियंस वही है। हम उस तक अपनी बात रखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी कहानियों को ले आते हैं, उनको छापते हैं, उनकी कहानियों को फिर उनके बीच भेजते हैं। जो संवेदनाएँ मर गई हैं, जो समझ ख़त्म हो गई है, जो जो लिजलिजापन आया है जीवन और व्यवहार में, उसके खिलाफ लिखते हुए उन लोगों के भीतर एक रीढ़ पैदा करना, एक समझ पैदा करना, ताकि वे एक बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर कल के निर्माण के लिए वो सक्रिय हो सकें। वो अपनी उन पीढ़ियों को जो जिनको कमा कर आज बहुत पैसा देने, गाड़ी घोड़ा देने, मोबाइल फ़ोन देने और अय्यासी के तमाम सारे सामान देने के बजाय, यह देखें कि यह देश एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। अगर 5000 वर्ष की मनुवादी गुलामी की बात की जाती है तो 5000 साल और आगे को उनको का सोचना चाहिए, ताकि उससे वो मुक्त हो सकें और एक ऐसा समाज बना सके जहाँ मनुष्य मनुष्य का शोषण न कर सके, जाति के नाम पर कोई व्यक्ति किसी को कमतर या कोई किसी को ज़्यादा न समझ सके। अभी तो चातुर्वर्ण है, अभी तो ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य शूद्र और इनके बीच में जो विभेद है, तो मुझे ये इन तमाम सारी चीज़ों के खिलाफ जो जनता सोचती है, विचारती है, वो कहीं भी हो सकती है, वो संघ और बीजेपी में भी हो सकती है, उन सब के लिए हमारी पत्रिका है और उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है उसमें। सर पहले लेटर प्रेस से शुरू होकर आज डिजिटल मीडिया में परिवर्तन हुआ है, सोशल मीडिया तक का सफ़र हुआ है, लेटर प्रेस के दौर में और आज सोशल मीडिया तक के सफ़र में आप कहाँ पर अपने आप को खड़ा समझते हैं? सर देखिए कुछ चीज़ें इतिहास की होती हैं, इतिहास के एक खास मोड़ पर कोई भी आदमी कहीं प्रविष्ट होता है। राजनीति में भी जब आप आते हैं या संस्कृति में काम करते हैं, आप प्रशासन में आते हैं, तो इससे पहले पता नहीं कितने लोग आ चुके होते हैं। आपने अगर भवभूति का नाम सुना होगा, उन्होंने वो जीवन में बहुत उपेक्षित और बहिष्कृत रहे, तो उन्होंने एक पद कहा जिसका अर्थ यह है कि यह पृथ्वी विपुल है और समय अंतहीन है। वे तमाम सारे लोग आएंगे जो हमारी बात को सुनेंगे, हमको अप्रिशिएट करेंगे, हमको सम्मान देंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मी
अगर रूठती है तो अभी रूठ कर चली जाए, धरती अगर पलटना चाहती है तो पलट जाए अभी, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैं सोचता हूँ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम भी एक दौर में आए पत्रकारिता में, लेटर प्रेस का जब काम चल रहा था उस दौर से ही हमने एक तरह से इसमें कदम रखा, तब सीखने का प्रशिक्षु होने का दौर था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने जब इधर तो अपने टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ी, और टेक्नोलॉजी के साथ यह है कि एक ऐसे वर्चस्वशाली दौर में एक ऐसी हेजिमनी थी, सवर्ण हेजिमनी थी जिस दौर में हम लोग आए अखबारों में पत्र हमने काम शुरू किया, तो एक तो यह है कि वो हमको रेगुलेट करते थे कि उनके हिसाब से खबरें बनाई जाएं, वही हमको उन्होंने सिखाने की कोशिश की, लेकिन हमको ये समझ में आया कि जिस तरह के तथ्यों को चाहते हैं कि प्रमुखता प्रदान की जाए, वो तथ्य हमारी उस सोच और विजन और दृष्टि के खिलाफ है जो जिस जनता को हम टारगेट करते हैं, और धीरे धीरे यह भी पाया कि यह तो पूरा का पूरा खेल जो है वर्चस्व का ही है, अखबार जो है बड़ा पूंजीपति निकालता रहा है, अखबार अगर जैसे दैनिक जागरण आज आप देख रहे हैं, पूर्णचंद गुप्त नाम के एक व्यक्ति कानपुर से उन्होंने शुरू किया अखबार जो है साइकिल पर रख के बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता की ऐसी दलाली शुरू की कि आज दैनिक जागरण बहुत बड़ा जो है ग्रुप है, लेकिन वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला, लोगों के भीतर वैमनस्य और घृणा पैदा करने वाला अखबार होकर रह गया है। तो बहुत सी चीज़ें बदली हैं, अब सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया में यह है कि हम लोग बिना किसी अतिरिक्त लागत के उस पर हम आ सकते हैं, लाखों लोगों के बीच में जा सकते हैं, जिस तरीके की प्रविधि है हैशटैग लगा के या और तमाम सारी चीज़ें करके हम पहुंच तो सकते हैं, लेकिन हम कंटेंट क्या जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट क्या हम कूड़ा जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैं लगातार देखता हूँ कि बहुत ही अनटसंट किस्म की सामग्री जिसका कोई मतलब सिर पैर नहीं है, वो सारे वीडियो जो लाखों करोड़ों मिलियंस व्यू जाते हैं, लेकिन बहुत सारी वैचारिक चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें वही चीज़ें सही हैं, वह आप भी एक स्तर पर कह सकते हैं कि मैंने हमको व्यावसायिक रूप से अगर मिलियन व्यू चाहिए तो हमको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आप खुद भी उसको नहीं पसंद करते। वो तमाम सारे लोगों के भीतर जैसे हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी, जब दुष्यंत कह रहे हैं कि हर आदमी कई तरह के चेहरे वाला क्यों है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कुछ और सोचता है, बेटी के लिए कुछ और सोचता है, अपने पति के लिए कुछ और सोचता है, पत्नी के लिए कुछ और सोचता है, माँ बाप के लिए कुछ और सोचता है, तो उसका और वो पूरा देश के लिए उसका पूरा जो चरित्र है इतना विखंडित है कि वो संपूर्ण रूप से कुछ नहीं सोचता, इसलिए जिद उसके यहाँ से ख़त्म है, वो चीज़ों को सफलता या असफलता के तराजू से तौलते हुए उसमें अपने आप को बांधता है। तो ये जो फ़र्क आया है, फ़र्क तो बहुत आया है, वर्चस्व भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उन्हीं लोगों का वर्चस्व बढ़ा है जो पहले से वर्चस्वशाली थे, ताकतवर थे, लेकिन अपवाद भी बहुत सारे हैं। जैसे नीरज सिंह पटेल जिस तरीके से अभी अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो तो बिल्कुल गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हमको जिस समाज को टारगेट करना है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत ही पीछे है और चीज़ों को नहीं समझ पा रही। गालिब का एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो जो कहते हैं कि मैंने अगर तुमको ईसा मसीह तुम माने जाते हो, मसीहा हो, तो कम से कम लोगों के दुख की दवा करो। तो ये जो अंत्योदय जिसको गांधी कहते हैं कि अंतिम आदमी, या तमाम सारे बड़े विचारक जिसको कह रहे हैं कि वो हाशिए का वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, जो सबका शिकार हो जाता है, उसको लेकर काम करने वाले लोग जो ऐसे गैर पारंपरिक लोग भी आए हैं, हमारे जैसे लोग आए हैं जहाँ की चरवाही और मैंने मजदूरी ही होती थी परिवार में, लेकिन अब हम लोग तो एक बार निकले और निकले तो हमने वैचारिक स्तर पर ये उस शून्य को भरने की कोशिश की और उस मैंने जो एक तथा कथित बड़प्पन था उसको नकार देने का और उससे भिड़ने का जो हमारी कुवत आई, वैचारिक तौर पर हम जो बोलते हैं और बिना डरे बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भी देश ये है, उनका नहीं है जो जिनके हाथ में सत्ता है, हमारा देश है और हम इस देश को बहुत प्यार करते हैं, हम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम बोलते हैं। जो लोग सोचते होंगे कि चाटुकारिता करके कुछ हासिल कर लिया जाए, थोड़ा बहुत साधन हासिल कर लिया जाए, कार पर चल लिया जाए, हवाई जहाज़ पर चल लिया जाए, वो भले ही अपना बदलें, स्टैंड बदलें, लेकिन हम तो नहीं बदलें, हम तो पैदल अभी घूम के आ रहे हैं और हमेशा ही चलते रहते हैं। तो इसलिए बदलाव हुए हैं बहुत सारे, लेकिन दिमागों की जो अस्थिरता है वह भी स्थिर हो रही है, वो भी बदल रही है और वही पॉजिटिव है। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ गांव के लोक के संपादक आदरणीय श्री राम जी यादव जी, जो बनारस से चलकर आए थे। आपकी बातों से मुझे एक शायर की दो पंक्ति याद आ गई हैं
है रीत यहाँ की प्रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपके इस स्कोर जो है जी, इसी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गांव के लोग के संदर्भ में जब मैं गांव में जाता था तो अब जैसे गांव तो जातियों का समुच्चय है, सारे समाज मैंने जातियाँ रहती हैं और जातियाँ अपने हिसाब से संबंध डेवलप करती हैं घृणा का और प्रेम का, और उनके ऊपर वो सांस्कृतिक मिथक रहते हैं उनके दिमागों में उस तरीके से। तो जो आप प्रीत की रीत कह रहे हैं असल में यहाँ नफरत की रीत है। यहाँ मैं जब चमरौटी में गया तो अहिर लोग बोले ये अहिर नहीं लगता है, तो हमारी जात पर आ गए। हमने कहा कि तुम हमारी इंसानियत पर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम जात पर कैसे आ रहे हो भाई, और हम कौन से तुम्हारे यहाँ जो है कोई रिश्ता जोड़ने आ रही, तो मानवीय रिश्ता है, संवेदना का रिश्ता है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँच रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई संवेदना और प्रेम नहीं है। तो ये जो आप रीत प्रीत की बात कर रहे हैं दरअसल यह उन्हीं मनुवादियों का फर्जी जो है वो आख्यान है, जो कहते तो प्रीत की बात है लेकिन गला काटते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाल की रक्षा करते हैं और गर्दन काटते हैं, तो इस तरीके के लोगों से बचिए। आप भी नौजवान पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आगे बहुत कुछ करने का मौका आएगा। आप जीवित ही इसलिए रहेंगे कि आप बेहतर काम करेंगे, आप उसी दिन मर जाएंगे जिस दिन आपने किसी के हिसाब से काम करना शुरू किया, उसके अगले कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। धन्यवाद साथियों, सर ने गागर में सागर भरने का काम किया और ज़रूर सर मैं आपकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि मैं आपका विश्वास और भरोसा बनाए रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।